दोस्तों, हरे भरे पौधों को देखकर तो हम सबको बहुत सुकून मिलता है, पर क्या आप जानते हैं ये पौधे हमारा लक भी चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, वास्तु और फेंगशुई में प्लांट्स का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है, और इनमें कुछ ऐसे भी लकी प्लांट्स बताए गए हैं जिन्हें लगाने से घर में पॉजिटिविटी आएगी और आपकी पैसे और हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी लकी प्लांट्स के बारे में। हमारे लिस्ट पर नंबर 1 पर है बम्बू प्लांट। ये एक बहुत ही पॉपुलर वास्तु प्लांट है। फेंगशुई में बम्बू प्लांट को सबसे शुभ माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी, लक, पीस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। बम्बू प्लांट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप किसी को कुछ गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो बम्बू प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे इसे कभी डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में ना रखें। इसका पानी हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर चेंज करें। 3 लेयर्स वाले बम्बू प्लांट बहुत लकी माने जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि 3 लेयर्स का बम्बू प्लांट खरीदें और उस पर रेड रिबन जरूर बांधे। और इस प्लांट की कोई भी स्टेम यदि फंगस के कारण काली लग रही है या उस पर स्पॉटिंग्स दिख रही है, तो उसे तुरंत बंच से निकाल दीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्लांट पोथोस की, जिसे आप सब लोग मनी प्लांट के नाम से जानते होंगे। वास्तु के अकॉर्डिंग मनी प्लांट से घर की नेगेटिविटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होती है। आप इसे पानी या मिट्टी दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, पर इसे पानी में लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप इसे पानी में लगा रहे हैं, तो इसका पानी हफ्ते में कम से कम एक बार तो जरूर चेंज करें, और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। माना जाता है कि मनी प्लांट जितना हरा भरा होता है उतना ही शुभ रहता है। इसके पत्तों का मुरझाना, पीला या सफेद हो जाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसके खराब पत्ते तुरंत बेल से हटा दीजिए। मनी प्लांट एक बेल है, इसलिए इसका ऊपर की ओर चढ़ना शुभ माना जाता है, जबकि जमीन पर फैला हुआ मनी प्लांट वास्तु दोष बढ़ाता है। मनी प्लांट को लगाने के लिए घर का अग्नेय कोण मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे वास्तु प्लांट तुलसी की, जो कि आपको इंडिया में लगभग सभी घरों में देखने को मिल जाएगी। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है, और इसका यूज कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इवन वास्तु में भी तुलसी का बहुत इम्पोर्टेंस माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए जिस घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा रहती है। ईशान्य कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तुलसी का प्लांट रखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है, पर इसके अलावा आप इसे ईस्ट या नॉर्थ में भी रख सकते हैं। तुलसी प्लांट को मीडियम डायरेक्ट सनलाइट में रखें, और जहां भी आप ये प्लांट रख रहे हैं उसकी आसपास की जगह हमेशा साफ रखें। नंबर 4 पर हम बात करते हैं स्नेक प्लांट की। ये एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर तो है ही, पर वास्तु और फेंगशुई में भी इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये एक लो मेंटेनेंस और हार्ड टू किल प्लांट है। ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट के पत्ते लंबे, पॉइंटेड और ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ये हवा से हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करके हमें प्योर ऑक्सीजन देता है, और हमारा स्ट्रेस कम करता है, साथ ही हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। वास्तु के अकॉर्डिंग स्नेक प्लांट के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन घर का ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट मतलब अग्नेय कोण को माना गया है। हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पर है एलोवेरा, जो कि अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण जाना जाता है। इस प्लांट का यूज हेयर केयर, स्किन केयर और कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। एलोवेरा को रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट को माना गया है। ये प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है। इसे मेंटेन करना भी काफी आसान है। बस आपको इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, और क्योंकि ये एक सर्कुलेंट है, इसके पत्तों में ऑलरेडी पानी भरा होता है, इसीलिए इसे ओवर वाटरिंग ना करें। आप मिट्टी थोड़ी सूख जाने पर इसे 1.5 से 2 हफ्ते में एक बार पानी दे सकते हैं। हमारे लिस्ट पर नंबर 6 पर है जेड प्लांट। फेंगशुई में जेड प्लांट को बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट
हेल्थ, वेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। जेड प्लांट को फ्रेंडशिप प्लांट, मनी ट्री, लकी प्लांट जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस प्लांट को घर के मेन गेट के पास रखना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट पैसों को चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है। आप इसे अपने शॉप के कैश काउंटर पर भी रख सकते हैं। पैसों के लिए आप इसे साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए इसे ईस्ट में रखा जाना चाहिए और नए प्रोजेक्ट और चाइल्ड लक के लिए आप इसे वेस्ट में रख सकते हैं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे बनाना ट्री की। बनाना ट्री को वास्तु में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसीलिए इस पेड़ को लगाने के बाद कभी पैसों की कमी नहीं रहती। ये पेड़ नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। ये पेड़ बहुत ही पवित्र होता है, इसीलिए इसे ईशान्य कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे ईस्ट या नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। इसे घर के पिछले हिस्से में तुलसी के पौधे के साथ लगाएं और हर गुरुवार को दिया लगाकर इसकी पूजा जरूर करें। पर पेड़ को लगाने के बाद इसके आसपास की सफाई का जरूर ध्यान रखें। हमारे लिस्ट पर नंबर 8 पर है ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट मैरीगोल्ड। वास्तु के अकॉर्डिंग ये प्लांट बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और घर में गुड लक लाता है। आप इसे घर के आंगन में नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं और इसे अच्छे से ग्रो होने के लिए मीडियम टू ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में रखें। पर गर्मियों के टाइम पर तेज धूप से बचाने के लिए आप इसे शेड के नीचे रख सकते हैं, जहां इसे मीडियम सनलाइट मिल पाए। हमारे लिस्ट पर नंबर 9 पर है रबर प्लांट। वास्तु के अकॉर्डिंग रबर प्लांट को लिविंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखने से बिजनेस में सक्सेस मिलती है और पैसों की प्रॉब्लम्स दूर होती है। ये एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इससे इसके पत्ते सूख सकते हैं। इसे मीडियम टू ब्राइट इन डायरेक्ट सनलाइट में रखें और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे हर 3 से 4 दिन में पानी दें। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे हमारे ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट पीस लिली के बारे में। इसे कोबरा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फेंगशुई के अकॉर्डिंग पीस लिली को प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए ये बेडरूम में रखने के लिए एक सुटेबल प्लांट है। ये प्लांट स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। ये एक लो मेंटेनेंस एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और रबर प्लांट की ही तरह आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाकर मीडियम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए। आज की वीडियो में हमने जाना टॉप 10 वास्तु प्लांट्स के बारे में, जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हेल्थ, वेल्थ, गुड लक और प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा वास्तु प्लांट आपको अपने घर के लिए सबसे अच्छा लगा।